गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप लोग, टाइम हो गया है। हाँ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, टाइम हो चुका है। ठीक है, शिवानी, कीर्ति, अंजनी, चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदा, गुड मॉर्निंग रूबी शर्मा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग नीतू। चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल, अनिशा, अंजनी, चंदा, कीर्ति राज, नीतू कुमारी, नीतीश कुमार, प्रियंका कुमारी, रूबी शर्मा, संत, शिवानी कुमारी, वैदेही, नीतू लेफ्ट हो गई। जल्दी से ज्वाइन हो जाए, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं नाउ जल्दी से ज्वाइन हो जाए आप लोग, बिकॉज टाइम ऑलरेडी हैव बीन डन। 11:05 हो रहा है, 11 बजे की टाइमिंग है, क्लियर ना। तो रुचि मिश्रा, चलिए और भी जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि फिर सेकेंड टाइम हो जाता है दूसरे सर का, तो टाइम ज़्यादा होता नहीं है, आई हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी तक जो लोग जुड़े हैं, उसके अलावा जो नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाइए जल्दी से। हम 2-3 मिनट वेट कर ले रहे हैं, 11:05 हो रहा है, 2-3 मिनट और वेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बीच में जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाए। अभी तक अनिशा, अंजनी, चंदा, कीर्ति राज, नीतू कुमारी, नीतीश कुमार, नीतू कुमारी, प्रियंका कुमारी, रूबी शर्मा, रुचि मिश्रा, संत, नरेश कुमार, अभी चलो जल्दी नरेश कुमार, ठीक है, एंड फर्दर मोर जो अब तक भी नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाइए, शिवानी कुमारी, वैदेही, विभा कुमारी, तो काइंडली जल्दी जल्दी आप बाकी लोग जुड़ जाएं। वैसे हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे आप लोग के जुड़ने का, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। आपको इसके बाद जैसे हर दिन हम क्लास के बाद वीडियो फुटेज आपको मिल जाती है, देखा होगा ना, वीडियो मिल जाती है ना डेली, और कोशिश करते हैं वीडियो में साथ साथ, जी जी, वीडियो में जो साथ है पढ़ाया है वो हम उसका भेज देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकें तो वो आज भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दी, थैंक यू शिवानी, चलो, और बाकी जो लोग नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा वैदेही, सॉरी, दो, चलो नीतीश कुमार, अब बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। एटलीस्ट आज जो हम लिंक भेजेंगे उसमें सबका सब्सक्रिप्शन हमको मिल जाना चाहिए, उससे कोई खास मेरा बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरे समझ से तुम्हारा कोई लॉस भी नहीं है, और एटलीस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। आपका सिर्फ बीएड या डीएलएड जो एग्ज़ाम्स है यही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस एग्ज़ाम के बाद आपको पता होना चाहिए आपको इस एग्जाम, जी बिल्कुल, सी टेट का। तो पहले ये जो चल रहा है शेड्यूल ये ख़त्म हो जाए, 23 तारीख तक एग्ज़ाम चल रहा है, पता है ना, 23rd of January तक सी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। मेरे पास लगभग सारे ही एग्ज़ाम्स, हर दिन के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके, हर पेपर के तो नहीं लेकिन लगभग पेपर्स का मेरे पास रिकॉर्ड है, और उनकी क्लासेस हाँ, तो जो ज़रूरत पड़ेगा हम तुम लोग को जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे, अगर तुम्हारे ग्रुप में ऐसे ही सेंड करके काम चले वो भी कर देंगे, और उसके अलावा अगर तुम लोग को क्लास की ज़रूरत होगी, इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड देन आई एम ऑल्सो एग्रीबल, कोई इश्यू नहीं है, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत दूर की वजह से नहीं आ सकते देन वी कैन जस्ट ज्वाइन विद द ऑनलाइन सिस्टम, तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से भी हम कुछ कर सकते हैं कंटिन्यूसली, ये तो कॉलेज वाला टाइमिंग है, कॉलेज की टाइमिंग है।
और इसी प्रोसीजर के साथ हम जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आज के डेट में बहुत आसान है, अब तो उतनी लॉन्ग जर्नी नहीं होती है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं दिन बहुत ईजी है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फिलहाल में आज हम अभी अपने टॉपिक पर जा रहे हैं, क्लियर? तो टॉपिक पर आ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, आज हमको क्या पढ़ाना है उस पर आ जाते हैं। अभी तक जो हमने किया है टॉपिक याद होगा, अभी तक जो हमने टॉपिक किया है मेरे समझ से शायद कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर मान लें कोई दिक्कत है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है? उसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप आपको लग रहा है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जब कॉलेज आते हैं आप तो मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वट एवर विद द पॉसिबिलिटीज आई विल डू, जस्ट हैव टू प्रोवाइड यू, आई विल डू ट्राई बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, जो हमसे संभव हो पाएगा उतना हम करेंगे, क्लियर? चलो मुर्तजा, अभी अब तक भी सब लोग नहीं जुड़े हैं, चलो मुर्तजा एडमिट कर दे रहे, चलिए। अर्चना भारती, और एक और चीज़ कह रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब करने के अलावा अगर आपका सर्किल है तो वहाँ शेयर कर दीजिएगा, तो आई थिंक आई विल बी गेट बेनिफिट समथिंग मोर। एंड दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि आपको मेरे ही चैनल के ऊपर बहुत सारा दूसरा वीडियोज भी मिलेगा जो आपकी क्लास का है बट आप लोग नहीं हैं, जैसे जैसे उसमें वैद्यनाथ कॉलेज है, ठीक है, बसैठा का, उसके बच्चे हैं, उनको हमने पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास लिया, वो है। उसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बच्चे हैं, वो हैं, तो वो सारी बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है, उसमें भी आप ही लोग के सिलेबस से रिगार्डिंग है। वैसे जो CTET का एग्ज़ाम, चलो मुन्नी कुमारी, तो इसमें क्या है, CTET में जो ख़ास तौर पर जो टॉपिक्स है इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है हर बार, इस बार भी देख रहे हैं तुम लोग, चूँकि CTET की बात छेड़े तो दो बात बता दें CTET के बारे में। CTET में दो चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, पहली चीज़, चलो अंबिक कुमारी, ठीक है, CTET में दो बात ध्यान रखने की है, पहली चीज़ कि जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल फॉर योर DELED कोर्स, और जो BEd वाले हैं उनके लिए फॉर BEd, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो उसको छोड़ने का नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें सारा कोर्स CTET के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा जितना कि DELED के लिए, जितना कि BEd के लिए है, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है हर साल, इस बार भी आया है, हम बता देंगे क्वेश्चंस के साथ एग्जाम्पल दे करके बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। नंबर एक, इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल छोड़ने का नहीं है, जहाँ से जो मिल जाता है उठा लेना, उसको याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। उसके अलावा दूसरा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, जो उसकी साइकोलॉजी है, उससे रिगार्डिंग, चाहे वो जिम प्याजे का हो, चाहे कॉलबर्ग का हो, चाहे वट एवर वाइगोत्स्की की बात करें हम, सबका जी जी वाइगोत्स्की की बात करें वो भी, तो इन सबसे अच्छे खासे सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जिसे पूछता है वो जिम प्याजे से, तो ये सब इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान देना। और तीसरा, स्कूल जेंडर सोसाइटी, जो DELED में भी एक कोर्स है और BEd में भी कोर्स है, इसमें बताया गया है कि जो डिफरेंसेस है लड़कियों में लड़का में, है ना, किस स्तर पर है, गांव के परिवेश में, शहर में, क्षेत्र में, हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा डिप्ली नहीं जा रहे हैं इसमें। एक उदाहरण तुमको दे दे रहे हैं कि बाहर की जितनी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ से हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, आजकल सिस्टम हो गया है, मास मीडिया का टाइम है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है हर जगह, तो हम देख रहे हैं कि पूरे वेस्टर्न कल्चर के अंदर में कहीं पे ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि कोई अबॉर्शन कराए तो उस पर रोक है, करा सकते हैं, मर्जी है आपकी, कराइए बहुत इजीली, कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या है, अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग, चलो पिंटू राज जस्ट ज्वाइन, लेकिन बाहर के लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन वगैरह पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते, नहीं कराते। हमारे इंडिया में क्या है, इसके लिए नियम बना हुआ है कि नहीं करा सकते, डॉक्टर आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता है कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो बेटी या बेटा है, लेकिन बावजूद इसके ये सारी कुछ होती है, जबकि यहाँ अपराध है अंडर पैनल कोड PCI, ठीक है, पैनल कोड ऑफ इंडिया जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, धारा बनी हुई है, उसके खिलाफ एक्शन होगा, बावजूद इसके यहाँ पे ये कांड होता है, खूब होता है।
तो ये हमारे यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो डेवलप नहीं हुई है। तो सब कुछ सरकार कर देगी, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, ऐसा नहीं है। हम अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, दिस इज बिग फैक्टर। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि स्कूल जेंडर सोसाइटी रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड है, चाइल्डहुड से रिलेटेड जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बाकी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा तो हर जगह से आता है। कुछ स्पेशल टॉपिक है जैसे IQ है, बुद्धि लब्धि, इससे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। IQ का फैक्टर क्या है, हम IQ के लिए, अब जैसे मान के चलो IQ की बात करेंगे हम, तो ऐसा नहीं कि एक 5 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, दोनों का IQ का मेजर निकाल लेंगे सेम आएगा, नहीं आएगा। दोनों की मेंटल एज अलग है, दोनों का एज अलग है, ठीक है, दोनों का जो रियल एज है वो अलग है। तो दोनों का जो IQ निकालेंगे वो डिफर आएगा, और दोनों को कंपेरिजन नहीं कर सकते। एक क्लास, एक एज, सेम एज के बच्चों के बीच ही IQ की जो ये देखा जाता है वो सेम एज के बच्चों में देखेंगे, ठीक है। हाँ, वो अलग अलग डिफर करेगा। क्वेश्चंस का पैटर्न भी सबके लिए अलग हुआ, कहीं पे फिगर का क्वेश्चन देंगे हम। अगर 100 नंबर का सवाल तुमसे पूछा है, 100 नंबर का सवाल 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछेंगे, उसी 100 नंबर का सवाल 5 क्लास के बच्चे से पूछ रहे हैं, और उसी 100 नंबर का सवाल अगर UKG LKG के बच्चों से पूछ रहे हैं, देन सब में सवाल बदल जाएगा। मनीषा चौधरी, चलो जस्ट ज्वाइन नाउ, ठीक है। अभी तक भी लोग जुड़ रहे हैं तो आप लोग जल्दी फास्ट, जितना जल्दी हो ज्वाइन हो जाइए, टाइम इज ऑलरेडी हैव बीन डन। अब हम CET को दाएं बाएं छोड़ते हुए जस्ट कम टू द पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा टॉपिक है आज का, वहाँ आ जा रहे हैं। कल तक जो हमने बात किया, कल वाले वीडियो में देखा होगा, लिख दिया था रिकैप, हमने पिछला अब तक क्या किया। कल वाले में लिखा था हमने कि अब तक हमने जो किया है उसमें था सूचना, नंबर एक, नंबर दो सूचना के स्तर, नंबर तीन संचार, संचार क्या है वो, और नंबर चार संचार के प्रकार क्या है। ये चार चीज हमने कल तक कर लिया था, और कल जो हमने इसको एक्सटेंड किया था, तो कल हमने इसमें एक्सटेंशन किया था, उसमें ये किया था, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जब बात मीडिया की करते हैं, मीडिया वर्ड कहाँ से आया है उसके बारे में, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए और आगे चले जाएंगे कि इन जनसंचार माध्यम को आगे तक कैसे ले जाएं, खास तौर पर अगर हम एजुकेशन या एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो वहां पर ये जो जनसंचार माध्यम है वो क्या है। चलो बालकृष्ण यादव, बालकृष्ण यादव, योर एडमिन नाउ, क्लियर। एक मिनट, ये कौन है, खरानंद शाह, चलो खरानंद शाह, चलिए ठीक है। क्या हुआ, आवाज कट कट क्या आ रहा है आज सर, आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है, आवाज कट क्या आ रही है अभी भी। चलो अगर आवाज कट के भी आ रही है तो वीडियो में एटलीस्ट कट कट की आवाज नहीं जाएगी, वो पूरी आवाज आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी जो वीडियो भेजेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, व्हाट एवर यू कैन डू, और उतनी कोशिश हम भी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, ठीक है रुचि सन। और भी कोई आप लोग, हाँ थोड़ा प्रॉपर बने रहिए ताकि जल्दी हम लोग टॉपिक पे चले जाए, ठीक है, ताकि टाइम वेस्टेज ना हो, इसलिए हम इसका वीडियो पॉज कर दिए हैं, देख रही होगी। संजय कुमार यादव, चलिए संजय कुमार यादव, चलो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जन संचार माध्यम क्या है, जन संचार माध्यम क्या है। हमने कल तक जो बात किया था आपको बताया था, कल याद होगा, कल हमने ये बात साफ साफ, क्या हुआ संजय, कौन सा है यूनिट, पहला यूनिट है आपका, उस यूनिट में देखो हमने कहा था कल माध्यम की बात हमने की थी, बताया था माध्यम के बारे में, आज हम उसको बता रहे हैं कि माध्यम के बारे में जो कल हमने कहा था, माध्यम एग्जैक्टली मीडिया वर्ड से आया हुआ है, मीडिया, मास मीडिया। देखो बहुत आवाज आ रही है आपके साइड से, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा बंद कर लीजिए। मनीषा चौधरी तुम्हारी साइड से आ रहा है, तो वो देख लो, क्लियर, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, वरना हमको म्यूट करना पड़ेगा, हम म्यूट नहीं कर रहे खुद ताकि आप लोग अपना सवाल कर सकें बीच में अगर हो तो, प्लीज म्यूट 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 म्यूट, ओके। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो हमने कहा, कल हमने बात की थी याद होगा कि आज के डेट में सबसे बड़ा विपन, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा टूल किसी को ट्रॉल करने के लिए यूज किया जाए, किसी के भले के लिए यूज किया जाए, दिस ऑल विल डिपेंड अपॉन योर
ऑन थिंकिंग, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को चाहती है मार्केट में लॉन्च करना, तो सबसे पहले वो क्या कैप्चर कर रही है? सोशल मीडिया को, ट्विटर को कैप्चर कर रही है, फेसबुक को कैप्चर कर रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रही है, इनके जरिए से आम जनमानस तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। और अगर जिसके पास इससे बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा दौलत है, बेतरा पैसा है, बेशुमार दौलत है, तो वो उसको और अलग माध्यम से भी ले रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली मास मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जब हम मीडिया कहते हैं और सोशल मीडिया कहते हैं तो ये एक बात हो गई, एक बात हो गई, लेकिन जब हम मास मीडिया बोलते हैं तो दूसरी बात है। यानी सोशल मीडिया तक अप्रोच आपकी भी है, आप लोग बिना किसी खर्चे के अपने मोबाइल फोन से डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, ट्विटर पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं। दीज आर वेरी इजियर टू ऑल एंड सेम टू मी, मेरे लिए भी वही है। बट अगर एक बड़े पार्टी की बात करें, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर की बात करें, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर से हम बात करें, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और भी बाकी दूसरी पार्टी, चाहे जेडीयू हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी, उनके पास पैसों की कमी नहीं है जैसे आपके पास है, जैसे मेरे पास है। तो वो लोग भी सोशल मीडिया पे आते हैं, ट्रोल कराते हैं, अपने एजेंडा को प्रपोज करते हैं डिफरेंट सेक्शन के जरिए, बहुत सारे साइबर की हेल्प लेते हैं लोगों के जरिए से, एक पूरा ग्रुप बना करके। चलो कमल देव राम, ठीक है, तो एक तो वो ऐसे कर लेते हैं अपने आप को ज्वाइन, ठीक है, सोशल मीडिया पे हमारे बीच आ जाते हैं, अपने पब्लिक को पुटअप करके नए नए नाम के साथ नई नई चीजों को बना करके। कुछ नाम बहुत फेम है जो इस जिसका बराबर चर्चा भी होता रहता है, जैसा अगर बीजेपी की बात करें तो अमित मालवीय नाम से, वो जो ट्विटर हैंड करते हैं, पूरा फेसबुक हैंड करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। ये इसी तरीके से हर पार्टी का है, हर पार्टी का है एजेंडा, कोई पार्टी के ऊपर जाने की बात नहीं है। हम एक टॉपिक पर आ रहे हैं, टॉपिक मेरा क्या था, जनसंचार। और जनसंचार तक जाने के लिए एक दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज अवेल, कर सकते हैं अवेल, जैसे बड़े बड़ी पार्टियां हैं। दूसरे वो है जो आप हैं, हम हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज अवेल नहीं है, बट हमारा जो एक सर्कल है वो छोटा सा सर्कल है, उस छोटे से सर्कल में हम क्या कर सकते हैं? तो हम फेसबुक तक जा सकते हैं, अप्रोच है, हम ट्विटर पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, उसके जरिए से अपनी बात को पब्लिकली ला सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप कितना एक्टिव है, ठीक है, ये सारी चीज। अगर आपको एग्जांपल दूसरा याद होगा, कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौड़ काफी चर्चे में थी, जब उसने बिहार में बोला था बिहार में कब, और आज के डेट में वो दोबारा सुर्खी में है, जब वो अब क्या कर रही है, वो कह रही है यूपी में क्या बा, मतलब कहने का मतलब एक सेंस है, यूपी तक चली गई बिहार से नाम उठ करके, और ये पूरे इंडिया में ट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलो भारती कुमारी जस्ट ज्वाइन। तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया का पावर है जो उसको जोड़ पाता है। तो अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं ना, टेक्निकल स्टडी स्टूडेंट्स, चलो भाई जस्ट ज्वाइन। बाकी भी जो नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाइए, अभी जो हुआ है अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जनसंचार की बात किया, हमने कहा था सबसे बड़ा वेपन आज मास मीडिया है। जब मास मीडिया की बात करता है वहां भी वर्ड मीडिया ही आ रहा है। इस मीडिया का ओरिजिन क्या है, मीडिया का जो सिंगुलर फॉर्म है वो मीडियम है। हमने बताया था मीडियम, जब साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, मीडियम हम पढ़ते हैं, मीडियम दो तरह का होता है, जो साइंस की बात हम कर रहे हैं उसके हिसाब से मीडियम दो तरह का होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, फिजिक्स वाले जानते होंगे। जब अंग्रेजी में आते हैं इसी को, तो इसी को रेरर मीडियम कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं हम, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे चूंकि फिजिक्स पढ़ नहीं रहे और फिजिक्स की बात उतना ज्यादा नहीं कर सकते, बट इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां से आता है वो हमने बात किया कि रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। हम मानते हैं रेरर और डेंसर में क्या है, रेरर वो मीडियम है जहां पे आसानी से कोई चीज बहुत तेजी में लॉन्च हो जाती है, भागती है, और उसी की जगह पे अगर हम रेरर मीडियम की बात करेंगे तो वो रेरर तो आसानी से तेजी में फैलेगी, दूर तक जाएगी, बहुत तेजी में जाएगी, और डेंसर की बात करेंगे तो उसकी स्पीड पहले के रिस्पेक्ट में कम जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप बात कीजिएगा, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये डेफिनेशन नहीं है कोई, अगर हम इस साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करके समझें इसको, तो मास मीडिया को तुम समझ लो कि मास मीडिया रेरर मीडियम है जो बहुत तेजी में फास्ट ग्रोइंग है, जिसके पास सब्सक्रिप्शन करोड़ों में है। जैसे एग्जांपल दें आज तक का, हम तो आज तक का अपना सब्सक्रिप्शन यूट्यूब के ऊपर कितना है, 48 मिलियन। जी हाँ, 48 मिलियन होने का मतलब है कि वो कम से कम करोड़ों लोग, वंस अ टाइम जब कोई न्यूज आएगी तो लोग देख लेगा।
अगर उस पर कोई वायरल न्यूज आती है, कोई अच्छी न्यूज आती है, कोई बुरी न्यूज आती है, तो उसका अच्छा असर या बुरा असर बहुत तेजी में देखने को मिलेगा। वो इस वजह से मिलेगा बिकॉज उनका सब्सक्रिप्शन एक्सेस है। लेकिन अगर उसकी जगह पे इसको हमने क्या किया, रेडर मीडियम में रखा, समझाने के लिए साइंटिफिक टर्म के इस्तेमाल के हिसाब से, अगर इसी रेडर मीडियम को हटा करके हम डेंसर मीडियम की बात करें तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंटली बहुत कम जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का चैनल ले लो, है यूट्यूब के ऊपर, बट वट एवर आई हैव, नो मेरा अपना सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, चलो परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस ओके ज्वाइन। तो हम अपनी बात करें तो जितना मेरा सर्किल है, हो सकता है मेरी कोई डाली गई न्यूज जो अपने पोर्टल से न्यूज फॉर यू इंडिया से डालते हैं, अगर न्यूज फॉर यू इंडिया मेरा न्यूज का पोर्टल है जिसमें हम न्यूज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अगर न्यूज को कोई भी न्यूज डालते हैं तो सब्सक्रिप्शन उसका क्या है, विद इन 1000 है, क्लियर। तो वो हजार और हजार लोगों के बीच जो फैमिलीज है, जैसे आप एक हैं, मान के चलो आप में से एक है अर्चना कुमारी, उसकी एक पूरी फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब है, अगर एक चीज वो देख रही है तो पूरी फैमिली देख रही है, दैट मीन्स व्हाट, मेरा एक पूरा पूरा मोटा मोटी मान के चलो 10,000 लोग देख लेंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, 10 करोड़ लोग देख लेगा कहीं पर। तो अगर 10 करोड़ में कोई गलत न्यूज जाती है और 10,000 में कोई गलत न्यूज जाती है तो असर किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 10 करोड़ का ज्यादा घातक प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका अच्छा असर भी होगा तो 10 करोड़ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की डेट में एक बहुत जरूरी हो जाता है, और मास मीडिया को हमेशा संवैधानिक रूप से भी, हमने भारत के अंदर जो हमारा संविधान है उसने भारत में संविधान के द्वारा भी मीडिया को हमने चौथा स्तंभ का जगह दिया। मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए माना गया कि बिना 4 फुट के कोई चेयर खड़ी नहीं होगी, कोई कोई आपके मतलब कहने का मतलब कोई चौकी है, कोई बिस्तर है, कोई बेड है, कोई कुर्सी है, कोई सोफा है, सभी के पास 4 टांग होती है, 3 टांग पे कोई चेयर खड़ी नहीं हो सकती है, कोई टेबल खड़ा नहीं हो सकता है। अगर इसमें से एक भी मीडियम खराब होता है, और आज जो डेमोक्रेसी के साथ इंडिया में आप डे बाय डे देख रहे हैं, हर जगह ट्रोल हो रहा है, नई नई तरह की न्यूज आ रही है, कई जगह हादसा हो रहा है, उठपटांग चीजें हो रही है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अपने स्तर से उसका लाभ उठाना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है, कोई हिंदू को पोटने में लगा है, कोई मुस्लिम को पोटने में लगा है, कोई हिंदू को भड़का रहा है, कोई मुस्लिम को भड़का रहा है, इस सब तरह के ट्रोल्स आते रहते हैं। इसका पीछे का मेन रीजन क्या है कि हमने चौथे स्तंभ को खत्म कर दिया है, हमने नहीं किया, ये चौथा स्तंभ अपने आप टूट गया है। इसका असर किस पे हो रहा है, हमारी पब्लिक पे हो रहा है, सोसाइटी पे हो रहा है, हम पे हो रहा है, आप पे हो रहा है, वी ऑल आर अफेक्टेड बाय दैट, हम उनकी वजह से प्रभावशाली मतलब गलत सही ढंग से प्रभावित हो रहे हैं। शिव शंकर शर्मा जस्ट ज्वाइन नाउ। तो वही हम तुमको समझाना चाह रहे थे। अब हम बात करें मास मीडिया में किसको कहा, मास मीडिया मैंने फिजिक्स के टर्मोलॉजी के अगर सारा लिया, हालांकि यहाँ फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, दिस इज व्हाट इट इज आईसीटी इन एजुकेशन। तो फिजिक्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं मीडियम 2 तरह का होता है, रेडर मीडियम, डेंस मीडियम। तो हमने कहा जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ, एक्सपेंशन ज्यादा है, तेजी में तुरंत में कोई चीज को बहुत दूर तक फैला सकता है, दिस इज व्हाट इट इज रेडर। और जो बहुत धीरे धीरे काम करेगा, चलो पार्वती कुमारी ओके पार्वती ज्वाइन। लेकिन अगर डेंसर क्या हुआ, जिसमें स्पीड कम होगी, लिक्विडिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत फास्ट नहीं होगा, ये चीज है। अब हम डायरेक्ट टर्म पे आ जा रहे हैं, तो फिजिक्स का टर्म था, उसको समझा दिया कि मीडियम से मीडिया निकला है, जब इस मीडिया के साथ मास लगा दे, इट इज व्हाट इट इज मास मीडिया। जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए, मास मीडिया में जाने के लिए आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ता है, चाहे आप जहां से भी कीजिए, IMAX संस्था है, ठीक है, IIMC है संस्था है, बाकी बहुत सारे न्यूज चैनल वाले वो करा रहे हैं, संस्था है, सब करवा रहे हैं प्रोग्राम। तो इसमें होता है क्या, मास मीडिया का मतलब होता है कि एक पूरा मास, पूरी कम्युनिटी, नॉट फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज, अबाउट मुस्लिम, अबाउट दिस, अबाउट होल ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी की पूरी आबादी की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज पूरी आबादी में बहुत तेजी के साथ पहुंचती है, इट इज मास। और मीडिया इज अ पुलर फॉर्म ऑफ मीडियम, मतलब जितना भी सोर्सेज है सबको टच कर लेता है, वो कहीं से नहीं छोड़ता, कोई भी मीडियम छोड़ता नहीं है। मतलब मास मीडिया का मतलब कोई चीज अगर आ गया तो मास में आ गया, तो कैसे, सोशल मीडिया पर भी है, ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर के ऊपर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, ठीक है, मेल के जरिए भी है, ईमेल के जरिए भी है, जीमेल के जरिए भी, जितने भी तरह के सोर्सेज है उनके जरिए है। उसके अलावा आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल होगा, आपके पास अपने बहुत सारे मेथोडोलॉजीज होंगे, जैसे अभी हम क्लास में जुड़े हुए हैं, विद हेल्प ऑफ व्हाट गूगल के जरिए जुड़े हुए हैं, गूगल मीट के जरिए जुड़े हुए हैं, जूम भी है, ठीक है ना। तो सारी चीजों का सहारा लेकर के जितनी तेजी में कोई बात को फैलाया जा सके, वो चीज है। इन सब माध्यम से हम जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, जनसंचार।
क्या बनाते हैं, जनता, आम जनमानस का उनके बीच एक संचार हो जाता है, इट इज टू बी कॉल्ड जन संचार, क्लियर। और इन इंग्लिश इट इज व्हाट, इट इज मास मीडिया, मास मीडिया को आप हिंदी में कह सकते हैं जन संचार, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम। चलो अब क्या हम जो टॉपिक कर रहे हैं, आज का टॉपिक ले रहे हैं जन संचार माध्यम, माध्यमों में शिक्षा का योगदान क्या है, चूंकि स्पेसिफिक हमारा टर्म क्या है, शिक्षा से रिलेटेड। तो मेरा सवाल यह है कि जन संचार माध्यम में, जन संचार के माध्यमों का उपयोग करके शिक्षा में योगदान कैसे दिया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम आपके वीडियो में इसको डाल भी देंगे, देख लीजिएगा, वीडियो में भी ये रहेगा, समझिए इसको क्या है, शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। शिक्षा क्या करेगी, शिक्षा अधिगम, शिक्षा और अधिगम, अधिगम पहले समझा चुके हैं, अधिगम होता है किसी चीज को लर्निंग तक पहुंचा देना, कोई चीज तुम तक पहुंचा देना, समझा देना, सिखा देना, बतला देना, अच्छी तरीके से तुम्हारे माइंड तक उस बात को पूरी तरह से, जितना सुपर इम्पोज हम कर सके, सुपर इम्पोज वर्ड यूज करें, इम्पोज नहीं, इम्पोज करना किसी चीज को थोपना होता है, और सुपर इम्पोज मतलब पूरी तरह से उस चीज को हम तुम्हारे माइंड तक सेट कर दे, माइंड सेट बदल जाए, तुम्हारा सोच बदल जाए। तो आज लोगों को अगर जनसंचार माध्यम के जरिए से बताया जाए तो ये बताने की आवश्यकता है शिक्षा का योगदान कैसे होगा, तो ये होगा कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, ये समझाना होगा। जब लोग समझेंगे शिक्षा अधिगम क्या है, तो ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जनसंचार एक माध्यम होगा, तो लोग उसके माध्यम से शिक्षा को लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या होगा, विचारों तथा ज्ञान का प्रसार, आपके विचार तक मेरे विचार का आना और आपका विचार मेरे तक भी आना, ताकि हम समझ सकें कि आप किसी एक चीज को लेकर गलत कैसे हो, गलत क्यों हो। जब उस गलती को समझेंगे तो उसके बारे में मेरा एक जो सोच होगा वो हम इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। बट वेन यू जस्ट हैव टू गेट इट, दिस गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन नॉलेज, जब तुमको लगेगा मेरी बोली गई बात तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से भी सही बैठ रही है, इसका मतलब तुम पहले गलत थी, तो तुम उसको सही मानोगी और फिर उस बात को फॉलो अप करोगी। तो ये इसके लिए क्या होगा, विचारों और ज्ञान का प्रसार होना चाहिए जितना किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा आज हो रहा है ये बात नहीं है, आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे, अगर हालांकि उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें हम, उन्होंने कहा था वेद की तरफ लौटो, आज तो नहीं कहा था, काफी पहले कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। आप चले जाइएगा अगर इसकी तरफ, महात्मा गांधी की तरफ, उन्होंने क्या कहा था, जिसको राष्ट्रीय पिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था मैं चाहूं तो अपनी इच्छा शक्ति से इस पृथ्वी को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दूं। और जब इसको सार किया, समझाया, तो बताया कैसे, ड्यू टू शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से। तो सबने शिक्षा पर फोकस किया, ओवरऑल जितने भी स्कॉलर्स हुए या हैं, सबका फोकस यही है कि शिक्षा क्या करती है, आपको ऑल ओवर सराउंडिंग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाती है, तबाही की तरफ, मरने मारने की तरफ, लोगों को उकसाने की तरफ, लोगों का बुरा करने की तरफ, ऐसा कोई शिक्षा नहीं बताती, न किसी धर्म की शिक्षा, न किसी पॉलिटिकल बुक्स की कोई शिक्षा ऐसी है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, आम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होता, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर चलते हैं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, आपको कोई सरोकार नहीं, उसको लेना भी नहीं चाहिए, सब अपने हिसाब से देखते हैं चीजों को और उनको अधिकार है लेने का, लेते रहे, लेकिन जब उनको अधिकार है अपनी बातों को अपने ढंग से लेने का, तो सीधा सीधा बात हम ये बोलेंगे, तो हमको भी अधिकार है अपनी बातों को अपने अधिकार के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से लेने का। चलो हीरा कुमार, अब टाइम हुआ है छोड़ने का आपका, चलिए। तो ये चीजें थी, तो इसमें क्या है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, विचारों तथा ज्ञान का प्रसार करती है, का प्रसार होना चाहिए, अधिगमकर्ता को क्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगमकर्ता हु इज, एनी टीचर, व्हाट आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट, व्हाट आई एम जस्ट यू नो टॉकिंग विद यू, हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, जो बात कर रहे हैं क्या वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं है, उसको अपनी लाइफ में कितना प्रभावी हम बना रहे हैं, हम बोलने को आपको जो बोले क्या हम प्रैक्टिकली इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिस विल फैक्टराइज टू ऑल ऑफ यू, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, आप हमको पर्सनली भी कुछ जानते हो सकता है कॉलेज स्तर पर जानते हो, देखो हम बोले कुछ कर रहे कुछ और, तो कोई बोलता कुछ बनता है करता कुछ बनता है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं ना वो मेरे अफेक्शन में दिखना चाहिए, मेरे एक्टिविटी में दिखना चाहिए, मेरे क्रियात्मक मेथड में दिखना चाहिए, वर्बल एक्टिविटीज में दिखना चाहिए, ठीक है।
अगर ऐसा हो गया तो जिनके वर्बल एक्टिविटीज में नहीं है वो नॉन वर्बल एक्टिविटीज लेके चल रहे हैं, वो भी इसको वर्बल में लाने की पूरी पूरी प्रयास पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए क्या होगा कि ज्ञान धारणा को बढ़ावा देना होगा, संचार के कार्यक्रमों को शोध कार्य द्वारा बढ़ाएंगे, शोध कार्य रिसर्च वर्क होगा जोड़ा जाएगा उसके जरिए आगे बढ़ाएंगे, मानसिक चिंतन को बढ़ाया जाएगा, मानसिक चिंतन समझ रहे सोचने की क्षमता आप कैसे डेवलप करें ये सब चीजें हैं उसके अंतर्गत आएंगी। उसके अलावा विचारों को तार्किक शक्ति से जोड़ना होगा, मतलब तर्क के आधार पे जो विचार आप बोल रहे हैं उसको रूप से भी वो चीज आपको सही लगनी चाहिए, ये नहीं कि बस बोल दिया कोई आधार नहीं है। अगर हमने जैसे आपको लिखा है सूचना, हमने सूचना है बोला, क्या बोला था आपको कि फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगर उस चीजों को चेक करते हैं फैक्ट कुछ और है, बोला हमने जो बोला वो कुछ और था और फैक्ट जो लिखा रहे वो कुछ और है, ऑब्जर्व आपने किया तो कुछ और मिला और हम बोले वो कुछ और है, क्या आप फॉलो करेंगे उस बात को? ठीक है, बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि जो हम बोले हैं आपके ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज सही हो रही है, आपको जो बात हम बोल रहे हैं फैक्ट उसका रिकॉर्ड भी कहीं पर है, हमने एग्जाम्पल दिया था CBSE के वेबसाइट पर CTET एग्जाम को जो पोस्टपोन्ड किया गया उसकी रिपोर्ट आई, उसमें डाउट किधर था? सही है, फिर सब कोई मानेगा। लेकिन अगर वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे दे रहा है एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है और कोई बोल दे रहा है पोस्टपोन्ड हो गया, क्या मान लेंगे हम? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आधिकारिक पुष्टि तो होनी चाहिए, या तो CTET का कोई जिम्मेदार आदमी कोई आकर के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा तब भी मान लेंगे, वेबसाइट पर डाल दिया तो भी मान लेंगे। तो ऐसी कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे हम उसको आधार मान सके, और अगर आधार मानने के लिए एक्टिविटी एनफ नहीं है तो हम उसको आधार नहीं मान सकते बिकॉज प्रूफ उतना नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको उन चीजों को विचारों को जो बोला जा रहा है उसको तारकमय होकर के सोचना होगा, तार्किकता के आधार पर सोचना पड़ेगा और मिलाना होगा वास्तविक अनुभव दिखा करके स्वक्रिया उत्पन्न। मतलब आप कोई चीज को कहिए, बच्चा कह रहा है सर ये बोलने तक आसान है, होगा नहीं, तो सामने वाला उसको प्रैक्टिकलाइज करके दिखाए दिस इज पॉसिबल। ये हर चीज में पॉसिबल नहीं होगा बट बहुत सारी चीजों में पॉसिबल होगा, तो जब पॉसिबल हो सकता है तो हम पॉसिबल करके दिखाएंगे, नहीं हो सकता है वो अलग चीज है। कुछ ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें प्रैक्टिकल में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल में आएंगी, हाँ ये भी है हर चीज प्रैक्टिकल में नहीं आएगी, तो जितना आएगा उसको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें कई पॉइंट्स हैं, इनको आप देखेंगे, इनको हम भेजेंगे आपको, ये इसमें रहेगा देख लीजिएगा। इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, टॉपिक है मेरा ऑब्जेक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? आपका गोल, कोई काम करने के पीछे गोल होता है, टारगेट होता है। तो है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड, जब हम किसी चीज को एड के जरिए बता रहे हैं, टीचिंग एड जैसे होता है, टीचिंग जब पढ़ाई कराई जाती है, पढ़ाना है कैसे सक्सेसफुल पढ़ाया जाएगा उसके लिए टीचिंग एड होता है। तो इसीलिए जब हम बात करेंगे किसी चीज को ऑडियो विजुअल एड की, ठीक है, संत आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है, म्यूट कर लीजिए संत, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑडियो विजुअल एड का, ऑडियो विजुअल एड में क्या होगा, ऑडियो प्लस विजुअल, जैसे रेडियो से कोई चीज सुन रहे हैं, ऑडियो विजुअल नहीं है वो सिर्फ ऑडियो है, टेलीविजन पे कोई चीज देख रहे हैं ऑडियो विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं दिस इज ऑडियो विजुअल, मेरी आवाज जा रही है आप तक और यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग मी, आप हमको देख भी पा रहे हो, तो ये ऑडियो विजुअल हुआ, क्लियर। तो ऑडियो विजुअल एड के जरिए जो बात, हाँ बोलो, अब इसमें हम बोलेंगे ये हमने नहीं बोला तो ये मानने वाली बात नहीं, हमने बोला है प्रूफ है, यू आर जस्ट वॉचिंग मी लिसनिंग मी, क्लियर ना। तो इस तरह के एड को हम ऑडियो विजुअल एड बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि ऑडियो विजुअल एड का मतलब क्या बनता है, क्यों जरूरी है ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड के महत्व, हम बात कर रहे हैं ऑडियो विजुअल एड का क्या यूज हो सकता है बच्चों की लाइफ में और एजुकेशन सेक्टर में। इसका फायदा होगा कि बच्चों को पाठ के प्रति रुचि पैदा होगी, ठीक है, शौक पैदा होगा, और जब शौक होगा तो उस चीज को इंटरेस्ट के साथ करेगा वो, डेफिनेटली अगर शौक और इंटरेस्ट के साथ कोई काम करेगा बच्चा तो लर्निंग मेथड या अधिगम की प्रक्रिया तेज होगी,
ज़्यादा लाभान्वित होंगे वो, है ना। दूसरी तरफ बालकों में तथ्य के प्रति जो सूचना मिली हुई है, तथ्यात्मक सूचना जो भी है, उसको रोचक ढंग से बता सकेंगे। जैसे फ्लो चार्ट दे दिया, फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है तो कैसे, घट रही है तो कैसे, इसका अच्छा स्कोप क्या है, बिजनेस के बारे में बताना हो या किसी चीज़ के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना हो, दिखाएंगे पहले के लोग कितना पढ़ रहे थे, आज के लोग कितना पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम दिखा सकते हैं कि अगर कोई आदमी एजुकेशन के जरिए से पढ़ लिख करके कितना कमा सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी हो सकती है, उसका प्रोटोकॉल कितना चेंज हो सकता है, ठीक है। और दिखाएंगे एक आदमी जो बहुत पैसा कमा लिया बट उसका प्रोटोकॉल बहुत फर्क नहीं आ रहा है, पैसा कितना भी कमा लिया हो, ठीक है, उसके प्रोटोकॉल पर उतना फर्क नहीं पड़ता है। जब एक जगह बहुत एजुकेटेड लोग होंगे और कम एजुकेटेड लोग होंगे और बिल्कुल नॉन एजुकेटेड लोग होंगे, तो तीनों का जो डिफरेंस है, पब्लिक कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे, आप कैसे देखेंगे, इन चीज़ों को बता करके हम शिक्षा के प्रति रुझान बच्चों का बढ़ा सकते हैं, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। इसके अलावा क्या है कि सीखने में रुकने की गति में सुधार लाना। ये कोई एक बार रुक गया, हम एक वर्ड यूज़ किए थे पहले, याद होगा, जिंदगी में एग्जाम होता है, एग्जाम में जिंदगी नहीं होती है, याद रखना। और ये ऐसी ही बात नहीं है, बोली हुई बात नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि कोई एक बंदा किसी एग्जाम में फेल हो गया तो फिर वो दोबारा पास नहीं करेगा। इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, इतना बड़ा एग्जाम्पल कि उस एग्जाम्पल के बाद दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमने बताया था, शायद अगर आपको बताया किसी और क्लास में, वो हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन हमने डॉक्टर APJ कलाम की जिंदगी का वाक्य बताया था आपको कि जब उनका सिलेक्शन एज अ पायलट हुआ नहीं था, एज ए पायलट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। संत, फिर आवाज आ रही है आपके साइड से, ठीक है। तो जब उनका सिलेक्शन एज ए पायलट नहीं हुआ तो परेशान हो गए थे। और पता है तुमको, द विंग्स ऑफ द फायर जो बुक उन्होंने लिखा है उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जिन 8 पायलट को बुलाया गया था, उस 8 पायलट में 7 का सिलेक्शन हुआ था, 1 का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो खुद APJ कलाम थे, तो उनको लगा था कि वो बहुत बेकार है, कोई काम के नहीं है वो। उनके मन में किस तरह की भावना जगी थी, तब उनके बीच को एक आदमी आया जिसका कोई ऐसा ही नहीं था कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, कोई बहुत बड़ा फिगर था, बट ऐसी एक यूजुअल को याद नहीं। उसने कहा, क्या बेटा क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बताया अपने अंदर की जो गतिविधि चल रही थी कि भाई 7 का सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो मैं कितना बेकार हूँ। इसके रिप्लाई में उसने कहा था, उस बूढ़े आदमी ने कहा था, बेटा हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए और भली चीज़ चाह रहा हो, तुम और भली जगह पर जाओगे कहीं। इस बात को मानते हुए उन्होंने, लेकिन भूल गया वो, उस बात को याद नहीं रहा उनको, जब वो प्रेसिडेंट बन गया भारत के, और जब सुखोई विमान का जब ये हुआ था, उसको देखने के लिए प्रोटोकॉल नियम के तहत उनको जाना था, जब वो अपनी पर्सनल फ्लाइट से नीचे उतरते हैं तो देखा है नंबर ऑफ पायलट्स, दे आर जस्ट सैल्यूटिंग हिम लाइक दैट। जब सब उनको सैल्यूट कर रहा था, तो उनको अचानक से वो उतना पुराना वाक्य याद आया कि अगर उस दिन उनका सिलेक्शन हो गया होता, साल का परवीन, अभी साल का परवीन जुड़ी हो, ठीक है, तो उनको लगा कि अगर उस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो आज मैं इन्हीं पायलट के साथ कहीं खड़ा होता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको याद रख सकते हैं। उन्होंने इसीलिए लिखा भी है APJ कलाम ने कि क्लासरूम में सबसे पिछले बेंच पर बैठा हुआ बच्चा आने वाले समय का बहुत बड़ा नाम हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ कर सकता है वो, ठीक है। उन्होंने अपने आप को एक उस फ्रेम में रखते हुए इस बात को रखा था, उसी एक हादसा को फ्रेम में रखते हुए बोला था ये बात, ठीक है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। आप न्यूटन की लाइफ को देखिएगा, न्यूटन एक अच्छी खासी एज तक पढ़ने में बहुत बोका था, पढ़ने में तेज नहीं था, बोकस स्टूडेंट था, लेकिन बाद में इतनी तेजी में फ्लाइट मॉडल से निकला वो, तेजी में भाग गया, ग्रो कर गया, कि जैसे एक तेज घोड़ा जब दौड़ना शुरू करता है तो सिर्फ धूल दिखाई देती है, घोड़ा नहीं दिखता है, उस तरीके से न्यूटन उतना आगे भाग गया, बाकी साथी सारे साथी लोग धूल की तरह रह गए। तो ऐसा होता है, इसलिए बच्चों में अगर ये चीज आती है रुक जाता है और वहां से वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, उसको सही टाइम पर हमको समझाना होगा कि डिप्रेस मत हो, तुम्हारे लिए बहुत सारी लाइफ खुली हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम में जिंदगी नहीं होती है, एक एग्जाम नहीं है, तुम किसी और एग्जाम के लिए बने हो, जस्ट यू हैव टू फॉलो इट, कंटिन्यू करो, ठीक है। रुकना नहीं चाहिए, रुकना है तो फिर रुकना तो गंदा हो जाता है, पानी ठहरा हुआ पानी नाले के समान होता है, और चलता हुआ पानी क्या होता है, शुद्ध गंगा जल जैसे चलता रहता है वैसा पानी है। तो छात्रों में क्या है, अधिक क्रियाशील बनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उसको रुकना नहीं चाहिए, ये एक बहुत चीज है, इसको चिंतन करके देखना चाहिए। पढ़ने में रुचि बढ़ाना, उसके बाद अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, ठीक है। तीव्र एवं मंद बालक, बुद्धि बालक जिसको बोलते हैं, IQ की जो हमने बात किया, IQ के अकॉर्डिंग
भले हम आईक्यू के हिसाब से किसी के एज निकाल के कम तेज ज्यादा तेज बना सकते हैं, लेकिन एक बात ये मानने वाली चीज है कि एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में तेज नहीं हो सकता है। किसी का साइंस अच्छा होता है तो किसी का एसएसटी अच्छा होता है, किसी का उर्दू अच्छा होगा तो किसी का दूसरा लैंग्वेज अच्छा होगा। तो ये फैक्ट है, मतलब देखने वाली बात यह है कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है, उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें उन्हें लिए अच्छी है। तो अगर बच्चे को किसी के स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो वो उस फील्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा तो डेफिनेटली वन डे ही मस्ट हैव टू बी सक्सेस, उसको सक्सेस होना ही है, उसमें कोई नहीं रोकेगा उसको। तो इस बात को मान के चले तो कोई साइंस कभी भी साइंस की डिक्शनरी ये नहीं मानती है कि कोई इडियट बच्चा होता है, वो मान के चलता है डलनेस किसी में नहीं होता है, वो आपकी प्रैक्टिस है जो डल बना देती है या आपको अच्छा बना देती है। तो आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, किसी चीज़ के प्रति रुझान कितना है आपका, ये डिपेंड करता है आपको आगे और पीछे जाने के फेवर में, न ये कि आपका दिमाग एकदम कचरा है, आप किसी लायक नहीं है। बड़े से बड़े बुद्धू लोग बहुत आगे पहुंचे हैं और बड़े से बड़े महान लोगों का बहुत बुरा अंत हुआ है, ये इतिहास बहुत सारी चीज़ों का गवाह है, साक्षी है, उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल और बोधगम्य बनाना चाहिए। हाँ, ये स्टूडेंट की ड्यूटी नहीं है, स्टूडेंट की भी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन पहले टीचर की ड्यूटी है कि वो जो चीज़ बता रहा है उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। एक हम दूसरा कोटेशन यूज करना चाहेंगे यहाँ पर, आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन है, आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का, उन्होंने कहा था इसके बारे में कि जब हम बात कर रहे हैं समझने की बात कर रहे, तो ठीक है समझना क्या होता है, समझने को जोड़ करके उन्होंने एक कोटेशन लिखा है, ठीक है, कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ठीक से सुनना क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट टू एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग बताना ये पढ़ाने का मकसद नहीं है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट टू एक्सप्लेन द मीनिंग बट टू नो द डोर ऑफ माइंड, माइंड पे दस्तक देना। जैसे कोई मेरे घर में आता है ऐसे करता है, देखो तो हम कहते हैं कौन है, बोलते ना ऐसे करता है कौन, तो ये नोक करता है। जब आपके माइंड तक कोई स्ट्रक कर जाए कोई विचार, कोई समझ, कोई चीज, कोई अच्छी बात, आप खुद आगे बढ़ेंगे। तो माइंड को स्ट्रक करना चाहिए, आप सब चीज को रटा नहीं सकते, सब चीज को लिखा नहीं सकते, सब चीज को बता नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो पुराने वाले गुरु, उनसे बाद वाले गुरु आए होंगे, फिर उनके बाद वाले गुरु आए होंगे, तब तो एजुकेशन वहां का वहीं रुक जाना चाहिए था, बाद में और ज्यादा एजुकेशन कहां से आ गई। उन्होंने स्ट्रक किया है, बाद वाले ने उस पर और रिसर्च किया है और उससे और आगे की चीजों को खोजा है, कई ऐसे एग्जाम्पल दी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उसको हमको देखना चाहिए कि रुकना नहीं है, और जो पाठ्य सामग्री है उसको सरल, आसान, जितना ज्यादा आसान हो सके, ताकि बच्चों तक स्पष्ट उसका मैसेज जाए, समझाना चाहिए। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, वैसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट जिसको देखा नहीं जा सकता, ओनली वी हैव जस्ट टू इमेजिन, जिसको इमेज करते हैं। ईश्वर को किसने देखा है, शैतान को किसने देखा है, जिन को कौन देखा है, राक्षस को कौन देखा है, तुम्हें से कोई देखा है कभी, हम तो नहीं देखे, बट वी ऑल बिलीव, हम सब बिलीव करते हैं। क्या संत कुछ बोल रहे हो, हाँ संत कुछ बोल रहे हो, बोलो। चलो ठीक है, तुम नोक कर रहे तुमको, तो इसलिए क्या होता है, हमने हर चीज को देखा नहीं है, ना ईश्वर को देखा, ना शैतान को देखा, ना भगवान को देखा, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजों को नहीं देखा है, राक्षस को नहीं देखा, बहुत सारी चीजों को नहीं देखा है, बट वी जस्ट फील, वी जस्ट अमेजिंग, तो हम उसको मानते हैं, वो अमूर्त चीज है, लेकिन उसको अनुभव मूर्त रूप से करते हैं। हवा को नहीं देखा है, हवा को नहीं देखा है, बट हवा लगती है, पंखा चलता है, हवा लगती है, अभी कोहरा का मौसम है, हवा चलती है, क्या हाल हो जाती है, देखा होगा, हम फील करते हैं उस हाल को, ठीक है। तो उसको भगाने के लिए हम ओवरकोट, रेनकोट, सारी चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि हमको पता है अमूर्त रूप से क्या चीज है और उसको रोकने के लिए क्या प्रभाव करना होगा। ठंडा लग रहा है, उससे बचने का क्या उपाय है, तो जैकेट पहन लेते हो, है ना, मफलर लगाते हो, टोपी लगाते हो, इससे क्या है, अमूर्त रूप से जो चीज तुम्हारे पर प्रभाव डाल रही है उससे बचने का उपाय है। तो जो चीजें आपको लगता है अमूर्त है उसको मूर्त रूप देना होगा, ताकि बच्चों को समझाने के लिए कुछ ऐसी चीजों का उदाहरण देकर मूर्त रूप दिया जाए, तो बच्चों को वो चीज समझने में आसानी होगी और मानसिक रूप से बच्चे नए ज्ञान की ओर, नए ज्ञान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड, ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से हम ऐसी चीजों को, अमूर्त चीजों को मूर्त रूप दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर
जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के विकास की बात कर रहे हैं। क्या हुआ साल का? हाँ बोलो। लिंक आ गया है। ओह नो। चलो एक काम करो, चलो नेक्स्ट क्लास का आ गया है तो आज क्लास कहीं पे पोस्टपोन करना पड़ेगा हमको, ठीक है? चलो आप लोग पढ़, एक मिनट समझ गए हम ऑफ कर रहे हैं क्लास, ठीक है? लेकिन उसके पहले कल जो पढ़ाएंगे उसको देख के रखिएगा, हम कुछ बता दे रहे हैं। कल जो पढ़ाएंगे उसको देख के रखिएगा, हम टॉपिक बोल दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक प्लस हम उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कंप्यूटर की विशेषता के ऊपर बात करेंगे, उसके जनरेशन के ऊपर बात करेंगे और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें बात करेंगे, कंप्यूटर के घटक कौन है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी एंड प्रोबेबली शायद हो सकता है कल मेरी क्लास नहीं होगी, इट मे बी, चूंकि आई विल नॉट बी हेयर, तो हम देख लेते हैं क्या कुछ होगा, वो हम ग्रुप में मैसेज में डाल देंगे, ठीक है? फिलहाल आप इतनी चीज़ों को पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टे एट होम बुक के बारे में, चलो क्लास के बाद तुम कॉल कर लेना, अलग से क्लास कर लो पूरा, बाद में कॉल करना तुमको हम बता देंगे, ठीक है? ठीक है ना, तुम स्पेशली कॉल कर लेना, तुमको हम बता देंगे, ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, घर में रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।